हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल बॉटनी टीवी। प्लांट्स का हमारे लाइफ पर जो इम्पैक्ट होता है, आई थिंक वो सभी को पता है। नेचर में रहने का एक अलग ही मज़ा होता है हम लोगों को, और आसपास जब ग्रीनरी होता है तब उसको देखने से ही हमारा माइंड बहुत ही फ्रेश हो जाता है। तो इसीलिए अगर नेचर को ही आपके घर पर लाया जाए, आपके बेडरूम पर, वर्किंग प्लेस पर अगर ये ग्रीनरी रहे तो आपको कैसा महसूस होगा? तो इंडोर प्लेस का जो टोटल लुक है वो ही बदल जाता है, बहुत ही सुंदर सा एक ब्यूटीफुल लुक देता है आपके होम को। और सिर्फ यही नहीं, प्लांट्स को देखने से आपका मूड भी बहुत ही बूस्ट होता है, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाता है, और इसीलिए इंडोर प्लांट्स या फिर हाउस प्लांट्स एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन होता है। लेकिन मार्केट में तो इंडोर प्लांट्स का बहुत सारा वैरायटी एंड ऑप्शन मौजूद है, तो आपके घर के लिए कौन सा इंडोर प्लांट्स बेस्ट रहेगा? तो इसीलिए आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं टॉप 7 इंडोर प्लांट्स के बारे में, जो कि आपके घर का लुक इन्हेंस करता है। और इस लिस्ट को बनाते हुए मैंने ख्याल रखा है कि जो प्लांट हो वो इंडोर कंडीशंस पर या फिर इंडोर लाइटिंग पर बहुत ही आसानी से ग्रो करे, लो मेंटेनेंस प्लांट हो यानी कि ज़्यादा मेंटेन करने की ज़रूरत ना पड़े, डेली वाटरिंग की कोई ज़रूरत ना पड़े, और जो तीसरा फैक्टर है कि जो प्लांट है वो ज़्यादा बड़ा नहीं है, यानी कि छोटा या फिर मीडियम साइज़ का प्लांट जो कि आपके रूम के अंदर या फिर वर्किंग टेबल पर बहुत ही अच्छा दिखेगा। तो चलिए आज का लिस्ट शुरू करते हैं नंबर 7 प्लांट के साथ, जो कि है पीस लिली। साइंटिफिक नेम है स्पैथीफाइलम। हाउस प्लांट्स में से पीस लिली एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन रहता है, क्योंकि इनमें बहुत ही साइनी और डार्क ग्रीन कलर का बहुत सारा लीव्स होता है और वाइट कलर का सुंदर सा फ्लावर भी होता है, इसीलिए रूम के अंदर ओवरऑल ये प्लांट बहुत ही खूबसूरत सा दिखता है। लेकिन इसके बारे में एक फन फैक्ट मैं बता देता हूँ कि ये जो प्लांट है ये कोई लिली फ्लावर नहीं है, यानी कि लिलिएसी फैमिली का कोई प्लांट नहीं है, ये है ओरिजिनली में एरेसी फैमिली का एक प्लांट। इस प्लांट को इंडोर कंडीशन पर मेंटेन करना या फिर ग्रो करना बहुत मुश्किल बात नहीं है, बहुत ही आसान होता है, क्योंकि इसको डायरेक्ट सनलाइट पसंद नहीं है। अगर आप इसको थोड़ी देर के लिए भी डायरेक्ट सनलाइट पर या फिर ज़्यादा हीट पर रख दोगे तो ये प्लांट डैमेज हो जाएगा। तो इसीलिए इसको रूम के ऐसे जगह पर रखिए कि ज़्यादा डायरेक्ट सनलाइट ना आए, थोड़ी लाइट भी आएगी या फिर मॉडरेट अमाउंट में लाइट आएगी तो ये प्लांट आसानी से ग्रो करेगा। और दूसरी तरफ इस प्लांट को डेली पानी देने की भी कोई ज़रूरत नहीं होता है, क्योंकि अगर आप हफ्ते में ऑलमोस्ट एक बार भी अच्छी तरीके से पानी दे दोगे तो वो इसके ग्रोथ के लिए सफिशियंट होता है। जब मिट्टी एकदम से ड्राई हो जाएगा तभी इस पर पानी दीजिए, तो ऑलमोस्ट 5, 6 या फिर 7 डेज में एक बार। एक और इन्फॉर्मेशन इस प्लांट के बारे में जान लीजिए कि ये प्लांट माइल्डली टॉक्सिक होता है, यानी कि इसको इंजेस्ट करने से या फिर निगलने से आपके शरीर में टॉक्सिक रिएक्शंस हो सकते हैं। तो अगर आपके घर में कोई बच्चा है या फिर पेट्स हैं लाइक कैट्स एंड डॉग्स, सो उनसे इस प्लांट को दूर रखिए। हमारे लिस्ट पर अगला प्लांट है व्हिपिंग फिग, या फिर जिसको बेंजामिन फिग के नाम पर भी जाना जाता है। इसका साइंटिफिक नेम है फाइकस बेंजामिना। यह है मोरेसी फैमिली का एक प्लांट जो कि एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। नेचुरल कंडीशन पर या फिर आउटडोर एनवायरनमेंट में ये प्लांट ऑलमोस्ट 30 मीटर लंबा एक ट्री होता है, जिसका बहुत ही ज़्यादा ब्रांच निकलता है, और इसका यूज़ किया जाता है मेनली अर्बन एरियाज़ पर, रोड साइड पर, पार्क के अंदर बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। लेकिन अगर आप घर के अंदर इंडोर में पॉट में इस प्लांट को लगाओगे तो ये प्लांट उतना बड़ा तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी टाइम टू टाइम आपको उसको प्रून करना पड़ेगा, जिससे कि एक बुशी अपीयरेंस बने और ज़्यादा अच्छा दिखे। आप जो ये ब्राइट ग्रीन कलर का ग्लॉसी सा लीव्स देख रहे हो, यही है इस प्लांट की खास बात, यही इसको खूबसूरत बनाता है। ये प्लांट ब्राइट सनी लाइट पर बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो करती है, लेकिन फिर भी अगर इसको उतना लाइट ना भी मिले, इंडोर कंडीशन का मॉडरेट अमाउंट का लाइट भी इसको मिलती है तो भी ये अच्छी तरीके से ही ग्रो करेगा, क्योंकि ये बहुत ही टॉलरेट एक प्लांट होता है। इसको बहुत पोअर कंडीशन में मिले फिर भी ये अच्छी तरीके से ग्रो करेगा। और हाँ, इसको ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं है, मॉडरेट अमाउंट पर पानी दीजिए और जब सॉइल ड्राई हो जाए तभी पानी दीजिए। तो चलिए अभी अगला प्लांट के बारे में जान लेंगे, नंबर 5 एलोवेरा। एलोवेरा एक सकुलेंट प्लांट स्पीसीज है।
आई थिंक अब सभी लोगों ने एलोवेरा के बारे में तो सुना ही होगा। इसका कॉमर्शियली बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाने में, स्किन केयर प्रोडक्ट्स, कॉस्मेटिक्स, जेल, क्रीम, इन सभी चीज़ों में एलोवेरा का यूज़ होता है। इसी वजह से एलोवेरा का कमर्शियली बहुत ही ज़्यादा कल्टिवेशन होता है और इंडियन मार्केट पर एलोवेरा का अलग अलग वेराइटीज़ मौजूद हैं। इन प्लांट को अगर आप पॉट में लगाकर इंडोर कंडीशन पर भी रखोगे तो बहुत ही सुंदर दिखता है। इसीलिए इस प्लांट को मैंने नंबर 5 पर रखा है, क्योंकि ये सुंदर तो है ही, उसके साथ साथ इसका जो जेल है उसका भी बहुत सारा यूज़ है, उसको आप स्किन केयर पर यूज़ कर सकते हो। अभी अगर आप इस प्लांट को अपने घर पर रखना चाहते हो तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि जो सॉइल है वो वेल ड्रेन सॉइल होना चाहिए, क्योंकि ये एक सकुलेंट प्लांट स्पीसीज है। अगर पॉट पर ज़्यादा दिनों तक पानी रुकेगी तो इसका जो रूट सिस्टम है वो डीके हो सकता है, इसीलिए वेल ड्रेनिंग सैंडी सॉइल इस प्लांट के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। लेकिन आप इसको कमर्शियली मार्केट से ख़रीद भी सकते हो, जो कि सकुलेंट सॉइल मिक्स मार्केट में उपलब्ध है, आप उसे भी ऑनलाइन परचेस कर सकते हो। और आपके कन्वीनियंस के लिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से जाकर खरीद सकते हो। इस प्लांट को ब्राइट सनी कंडीशन तो बहुत ही पसंद है, लेकिन अगर आप इसको ज़्यादा दिनों तक डायरेक्ट सनलाइट पर रख दोगे तो इसका ग्रीन कलर का लीफ धीरे धीरे रेडिश कलर का हो जाएगा सनबर्न की वजह से। इसीलिए डायरेक्ट सनलाइट पर ना रखना ही बेटर है। आप इसको नॉर्मल इंडोर लाइटिंग कंडीशन पर रख सकते हो या फिर खिड़की के पास, जहाँ से सफिशियंट लाइट इसको मिलेगी और ये ग्रो करेगी। और दूसरी बात, एक बार पानी देने के बाद जब सॉइल पूरी तरीके से ड्राई हो जाएगा तभी आप उस पर पानी दीजिए। हमारे लिस्ट में अगला प्लांट है एरिका पम्प। इसका साइंटिफिक नेम है डिप्सिस ल्यूटेसेंस। इसे बटरफ्लाई पम्प या फिर गोल्डन केन पम्प के नाम पर भी जाना जाता है, जो कि एक एरिकेसी फैमिली का मेंबर है। ये प्लांट एक बहुत ही पॉपुलर ऑर्नामेंटल प्लांट है, जिसे आउटडोर में और इंडोर में दोनों तरीके से ही लगाया जाता है। गार्डन्स पर, पार्क्स पर या फिर अदर अर्बन एरियाज पर बहुत ज़्यादा इसका यूज़ होता है, और इंडोर में मैं कहूँ तो हॉस्पिटल्स में या फिर कॉरपोरेट सेक्टर्स में इस प्लांट का बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। इंडोर में ये प्लांट बहुत ही सुंदर दिखता है। इसका स्टेम स्मूथ और लाइट गोल्डन कलर का है और लीव्स साइनी सा लाइट ग्रीन कलर का होता है। प्लांट थोड़ा बहुत बैम्बू की तरह दिखता है। इस प्लांट को वार्म सनी कंडीशन बहुत ही पसंद होता है, तो इसीलिए जब आप इसको इंडोर कंडीशन पर रखोगे तो घर के ऐसी जगह पर रखना जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइट आती हो, यानी कि विंडो के ठीक सामने रखना, जिससे कि ज़्यादा धूप आए और इस प्लांट के ग्रोथ के लिए हेल्प हो। और दूसरी तरफ इस प्लांट के ग्रोथ के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है वेल ड्रेनिंग पॉट एंड वेल ड्रेनिंग सॉइल। क्योंकि अगर मिट्टी पर ज़्यादा दिनों तक पानी रुकेगी या फिर मिट्टी हरदम ही अगर गीला रहेगा तो इस प्लांट का जो रूट सिस्टम है वो डैमेज हो जाएगा। इसीलिए ये दोनों चीज़ें ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एरिका प्लांट को मॉइस्ट सॉइल या फिर ह्यूमिड कंडीशन बहुत पसंद है, लेकिन ये ओवर वाटरिंग को टॉलरेट नहीं कर सकता। इसीलिए ज़्यादा पानी देने की कोई ज़रूरत नहीं है या फिर डेली पानी देने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। जब मिट्टी थोड़ी थोड़ी सूखने लगेगी तभी आप इस पर पानी देना। और दूसरी तरफ इस प्लांट के अच्छे ग्रोथ के लिए आपको फर्टिलाइज़र देना पड़ेगा इसके ग्रोइंग सीजन पर, जैसे कि आप कंपोस्ट, बायो फर्टिलाइज़र या फिर कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हो, लेकिन विंटर पर फर्टिलाइज़र मत देना। तो ये हो गया एरिका पाम के बारे में। अभी तक मैंने जो जो प्लांट बोला, अगर आप उनमें से किसी को ख़रीदना चाहते हो या फिर कोई फर्टिलाइज़र, कंपोस्ट या फिर लिक्विड फर्टिलाइज़र आप लेना चाहते हो तो उन सभी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से जाकर परचेस कर सकते हो। अभी हम लोग आएंगे हमारे लिस्ट पर अगला प्लांट की तरफ, प्लांट नंबर 3, जो कि है मनी प्लांट या फिर जिसे पोथोस भी कहा जाता है। इसका साइंटिफिक नेम है एपिप्रेमनम ऑरियम। ये एक बहुत ही पॉपुलर हाउस प्लांट है, क्योंकि ये बहुत ही दिखने में सुंदर तो है ही, लेकिन इसके अलावा भी इसको ज़्यादा देखभाल की भी कोई ज़रूरत नहीं होता। अगर आप कुछ दिनों तक पानी ना दे, अगर लाइट अच्छी तरीके से नहीं आ रही है, डार्क कंडीशन है, फिर भी ये प्लांट थ्राइव कर जाता है। और इसीलिए इसको बहुत ही जगहों पर एक डेकोरेटिव प्लांट या फिर ऑर्नामेंटल प्लांट की तरह यूज़ किया जाता है। शॉपिंग मॉल्स में, ऑफिसेस में इसका ज़्यादा यूज़ होता है। मनी प्लांट एक एवरग्रीन वाइन है, जो कि 20 मीटर से भी ज़्यादा लंबा हो सकता है।
इसके स्टेम से एरियल रूट्स निकलता है जो कि इसको क्लाइम करने में हेल्प करता है। दूसरी तरफ इस प्लांट का जो लीव्स है वो हार्ट शेप डार्क ग्रीन कलर का होता है और इनमें वाइट कलर या फिर येलो या फिर लाइट ग्रीन कलर का पैटर्न्स भी दिखता है जो कि बहुत ही सुंदर है। इंडोर कंडीशन पर मनी प्लांट को ज़्यादा सनलाइट या फिर ज़्यादा वाटर की कोई ज़रूरत ही नहीं होता है, इसीलिए इनडायरेक्ट सनलाइट ही इसके लिए सफिशियंट होता है। और दूसरी तरफ अगर आप हफ्ते में एक बार भी पानी दे दोगे तो भी इस प्लांट के लिए बहुत ही बढ़िया रहता है हफ्ते में एक बार पानी देना, या फिर जब सॉइल सूखने लग जाए या फिर सॉइल सूख जाए तभी आप इस पर पानी दीजिए। एक और ख़ास बात इस प्लांट में कि आप इसको पानी पर भी आसानी से ग्रो कर सकते हो, और अगर आप चाहते हो कि एक प्लांट से बहुत सारा प्लांट बनाना तो वो भी बहुत ही आसान होता है। आपको बस लीफ का नीचे का जो नोडल पोर्शन है, नोड होता है, उसको कट करना पड़ेगा और मिट्टी पर लगा दो या फिर पानी पर रख दो तो उसके नीचे से रूट्स निकल कर आते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लिस्ट में अगला प्लांट है स्पाइडर प्लांट, जिसे स्पाइडर ईवी या फिर रिबन प्लांट के नाम पर भी जाना जाता है। इसका साइंटिफिक नेम है क्लोरोफाइटम कमोसस। हाउस प्लांट्स में से स्पाइडर प्लांट एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन रहता है क्योंकि इसे ग्रो करना बहुत ही आसान होता है। इसका अलग अलग वैरायटीज़ भी मार्केट पर अवेलेबल है जो कि बहुत ही पॉपुलर एक हाउस प्लांट है। आप देख ही सकते हो कि स्पाइडर प्लांट का लीफ कितना सुंदर दिखता है क्योंकि इसके लीफ में दो कलर का कॉम्बिनेशन दिखता है, एक है ग्रीन और दूसरा है वाइट। अभी मार्केट में जो दो वैरायटी सबसे पॉपुलर है, एक है विटटम वैरायटी और दूसरा है वेरिगेटम वैरायटी। विटटम वैरायटी में लाइट ग्रीन कलर का लीफ होता है और सेंट्रल पोजीशन पर एक वाइट स्ट्राइप होता है। दूसरी तरफ जो वेरिगेटम वैरायटी है ये विटटम वैरायटी से थोड़ा छोटा होता है लेकिन इसका लीफ डार्क ग्रीन कलर का होता है और मार्जिन वाइट कलर का होता है। लेकिन दोनों प्लांट ही बहुत ही खूबसूरत दिखता है और इसको आप पॉट पर नीचे भी रख सकते हो, टेबल पर भी रख सकते हो या फिर हैंगिंग बास्केट पर भी आप ग्रो कर सकते हो। इस प्लांट के इन्फ्लोरेशन में ग्रीनिश वाइट कलर का छोटा छोटा फ्लावर भी होता है और एक और यूनिक फीचर है कि इसके इन्फ्लोरेशन के एकदम टिप पर छोटे प्लांट लेट भी ग्रो करते हैं, यानी कि बेबी स्पाइडर प्लांट, जिनको लेकर आप इजीली प्रोपगेशन कर सकते हो। अभी दूसरी तरफ अगर हम इस प्लांट के केयर के बारे में बात करें तो ये एक बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है और अलग अलग कंडीशन पर थ्राइव कर जाता है। लेकिन आपको ख्याल रखना है कि समर में जब टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा होता है तभी डायरेक्ट सनलाइट या ज़्यादा धूप में ना रहें क्योंकि इसका लीफ जल जाता है। टाइम टू टाइम पानी दीजिए, जब भी सॉयल थोड़ा सूख जाए तभी पानी दे दीजिए और पॉट वेल ड्रेनिंग होना चाहिए। तो ये हो गया स्पाइडर प्लांट के बारे में। अभी हम लोग जानेंगे इस लिस्ट के नंबर वन प्लांट के बारे में जो कि है स्नेक प्लांट। ये आजकल का सबसे पॉपुलर इंडोर प्लांट है। इसका साइंटिफिक नेम है ड्रसीना ट्राइफेसियाटा। ये प्लांट एक एवरग्रीन प्लांट है। अभी इसका इतना ज़्यादा पॉपुलरिटी का मेनली दो रीज़न है। एक तो इसका यूनिक लुक, कि इसका जो मैच्योर डार्क ग्रीन कलर का लीव्स होता है उनमें अलग अलग तरीके का पैटर्न्स दिखता है, येलो कलर का स्ट्राइप, व्हाइटिश कलर का स्ट्राइप और भी बहुत सारा वैरायटी मार्केट पर मौजूद है। अभी लीफ पर ऐसे ही पैटर्न्स देखने की वजह से ही इसको स्नेक प्लांट नाम दिया गया है जो कि इंडोर कंडीशन में बहुत ही सुंदर दिखता है। और दूसरी तरफ ये एक कैम प्लांट है। अभी जो बायोलॉजी स्टूडेंट है उनको पता होगा कि कैम एक स्पेशल तरीके का फोटोसिंथेटिक पाथवे है। कैम पाथवे सभी प्लांट्स में देखा नहीं जाता लेकिन जिन प्लांट्स में ये पाथवे होता है वो ज़्यादा दिनों तक ड्रॉट कंडीशन में ज़िंदा रह सकते हैं। ये एक इसी तरीके का एडाप्टिव फीचर है और ठीक इसी वजह से आपको अपने स्नेक प्लांट पर ज़्यादा पानी देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होता है। जनरली 15 टू 20 डेज में एक बार पानी दीजिए जो कि इस प्लांट के लिए इनफ होता है। अगर आप ज़्यादा पानी देंगे तो इसका जो रूट सिस्टम है और लीफ है वो आसानी से रॉट हो जाएगा। इसीलिए इंडोर कंडीशन पर ग्रो करने के लिए ये एक परफेक्ट प्लांट होता है। और दूसरी तरफ अगर नॉर्मल लाइट भी आती है आपके रूम पर या फिर खिड़की के पास तो इसके लिए इनफ होता है वो लाइट, लेकिन नहीं भी आती है, थोड़ा लो लाइट कंडीशन है, फिर भी ये प्लांट को कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, आसानी से ग्रो करेगा। इस प्लांट को प्रोपेगेट करना भी बहुत ही आसान होता है। अगर आपके पास एक प्लांट है तो आप उससे बहुत सारा प्लांट्स प्रोड्यूस कर सकते हो। इसका जो लीफ कटिंग होता है
उसको अगर आप मिट्टी पर, रेत पर या फिर पानी पर कुछ दिनों तक रख देंगे तो उसके नीचे से रूट निकल कर आएगा। तो ये हो गए 7 मोस्ट पॉपुलर इंडोर प्लांट्स जो कि आपके घर के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से थोड़ा हेल्प मिला होगा और आपने डिसाइड कर लिया है कि कौन सा प्लांट आपके घर के लिए बेस्ट रहेगा। तो अगर आप इन प्लांट्स में से कोई भी प्लांट खरीदना चाहते हो तो उन सभी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर चेक कर सकते हो। लेकिन जाने से पहले अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा भी हेल्प मिला होगा तो आपके फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर देना, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। स्टे हैप्पी, बी हेल्दी।